अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उलमाए अहले सुन्नत के झुनमुट में यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि पूरे अकोला में और पूरे महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में 29 रमजान को चांद नहीं दिखाया गया और न कहीं से शहादत मिली। इसलिए ईद उल फित्र जो है 14 मई बरोज जुमे को इंशाअल्लाह तबारका व तआला पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ मनाई जाएगी। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश यह है कि अपने अपने मोहल्लों में नमाज़ें अदा करें और किसी भी किस्म की भीड़ भाड़ रोड पर या मोहल्लों में नज़र ना आए। लॉकडाउन का ख्याल रखें और जैसे प्रशासन का हमेशा हमने एहतराम किया उसी एहतराम के साथ हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला ईद मनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के मुसलमानों को अमन अमान के साथ ईद मनाने की तौफीक खैर अता फरमाए। मेहरबानी करके कोई साहब रोड पर आने की कोशिश ना करें। जैसे हर साल हमने लॉकडाउन का एहतराम किया इसी तरीके से इस साल भी हम एहतराम करके इस्लाम की शान को बाकी रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईद की मसर्रतें और खुशियां अता फरमाए और इत्मीनान और सुकून के साथ ईद मनाने की तौफीक खैर अता फरमाए। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।